वेलकम बैक अगेन इन पद्मश्रीज लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? सो आज मैं आपके लिए मिंत्रा हॉल लेकर आई हूँ। मिंत्रा से मैंने कुछ ना पार्टी वियर सूट्स की शॉपिंग करी है, जो कुर्ता प्लाजो सेट है, दुपट्टा भी उनके साथ है, तभी तो वो पार्टी वियर बनता है ना। अगर दुपट्टा साथ नहीं है तो फिर कुछ अधूरा अधूरा सा सूट लगता है। हमारी न्यू ईयर पार्टी, क्रिसमस पार्टीज भी होती हैं, सो उसके लिए भी मैंने कुछ शॉपिंग करी है, सो आपको दिखाती हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपके साथ जो मेरे सूट हैं, जो किसी भी वेडिंग फंक्शन में आप डाल सकते हैं, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये मुझे काफ़ी टाइम हो गया है इनकी शॉपिंग करे हुए, और वैसे भी अभी जो मिंत्रा पे मैंने भी डिस्काउंट में ख़रीदा था जब सेल लगी थी, और अभी मिंत्रा पे फिर से सेल लगने वाली है बस कुछ ही दिनों बाद। तो इस मुझे लगा कि क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। तो काफ़ी दिन बाद मिंत्रा हॉल है, तो सबसे पहले मैं आपके साथ, और सबसे अच्छी खासियत ये है कि जितने भी मेरे कुर्ता सेट है ना, ये सारे आफ्टर वॉश में आपको अपना रिव्यू दे रही हूँ, क्योंकि ये मैं काफ़ी टाइम हो गया इनको मंगवाए हुए, और मैंने पार्टीज भी अटेंड कर चुकी हूँ मैं इनको पहन के, और वॉश भी हो चुके हैं और अब तो आयरन भी हो गए हैं। सो ये सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, एक ये कुर्ता प्लाजो सेट है जो बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही लाइट वेट सा है बट पहनने पे बहुत ही अच्छा लुक आया। और मैं इसको दो बार पहन चुकी हूँ। सो मैंने एक लेडीज संगीत के फंक्शन में इसको पहना था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। सो ये यूरिस ब्रांड का कुर्ता प्लाजो एंड दुपट्टा सेट है। सबसे पहले हम कुर्ता देखते हैं। सो कॉटन का है ये कुर्ता इसका जो है, और लाइट मस्टर्ड कलर का है कुछ ये। सो इस तरीके का देखिएगा, इसमें मेरा साइज जो है वो M है, और यहाँ पे आपको ये राउंड नेक मिल जाएगा, यहाँ पे छोटा सा वी कट है इस नेक पे, और यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी है, तो गोल्डन एंड मरून कलर की एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है। और इसकी जो स्लीव्स हैं वो 3/4 स्लीव्स हैं, और स्लीव्स पे यहाँ पर आपको ये गोटा पट्टी का जो हल्का हल्का ये देखिएगा काम मिलेगा, जो कि इसके प्लाजो में भी है और यहाँ पे स्लीव्स पे भी है। और इसका इस पे है गोल्डन एंड ऑफ वाइट कलर का जो प्रिंट है वो है ये, और देखिए दो बार वॉश हो चुका है, अभी तक तो प्रिंट खराब हुआ नहीं है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो प्रिंट है वो भी दूर से काफ़ी अच्छा लगता है। स्ट्रेट कुर्ता है ये, दोनों साइड में इसके स्लिट्स हैं, तो काफ लेंथ का कुर्ता है, लेंथ भी काफ़ी अच्छी है कुर्ते की, और फिटिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी है। और साथ ही में ये इसका प्लाजो है, तो प्लाजो में इतना घेर है, इसमें फ्लेयर बनाए हुए हैं कितने सारे, ये देखिएगा काफ़ी घेर वाला प्लाजो है ये देखिएगा। तो प्लाजो ना स्कर्ट जैसा लगता है पहनने पे। ये जो फैब्रिक है प्लाजो का वो भी कॉटन फैब्रिक है इस पर भी, सो ये देखिएगा, और यहाँ पे वेस्ट पे ये पूरा इलास्टिक है। एंड प्लाजो के यहाँ पे बॉटम में देखिए, यहाँ पे भी वो गोटा पत्ती जो है वो लगी हुई है जो स्लीव्स पे थी। पहनने के बाद ये बहुत अच्छा लगता है, और पहन के कैसा लगेगा वो तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ट्राई ऑन हॉल है। सो इसका प्लाजो भी बहुत अच्छा है, आप पहनेंगे तो बहुत। और सबसे जो इस पूरे सूट पे जो ग्रेस ऐड करता है ना, वो है इसका दुपट्टा, क्योंकि कंट्रास्ट दुपट्टा है ना, पूरा जो कुर्ता और प्लाजो उसका कलर है वो लाइट मस्टर्ड येलो है, एंड जो दुपट्टा है वो मरून कलर का है, और इस पर भी गोल्डन जो ये प्रिंट है वो है, और दुपट्टा बहुत ही प्यारा लगा। इसके साथ में जब आप दुपट्टा कैरी करते हैं ना, तो इसकी लुक इन्हेंस हो जाती है सूट की, पूरा यहाँ पे गोल्डन इसकी ये देखिएगा बॉर्डर बना हुआ है दुपट्टे पे, और दुपट्टे की जो साइज है वो भी बहुत ही अच्छा है दुपट्टा, तो आप किसी और सूट के साथ भी इसको कैरी कर सकते हैं। और यहाँ पे दोनों साइड में टैसल्स बनी हुई है दुपट्टे पे, लाइट वेट सा दुपट्टा है, पर ये सूट पहनने पे बहुत ही प्यारा लगता है। मैंने इसको लेडीज़ फंक्शन में पहना था, बहुत सुंदर लगा था, दिन में डाला था। ये था मेरा सबसे पहला एक कुर्ता प्लाजो सेट, तो मुझे तो बहुत पसंद आया, कॉटन का है, लाइट वेट सा है बट पहनने पे बड़ा प्यारा लगता है। एंड जो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है एक हैवी सा कुर्ता सेट है, वो जैसे ये लाइट वेट सा कुर्ता सेट था वो बहुत ही हैवी सा है, क्योंकि ये एक अनारकली कुर्ता सेट है, और सच्ची में ना इसको पहन के अनारकली वाली ही फीलिंग आती है यार, इतना हैवी लुक आता है ना, इतना ग्रेसफुल लगता है ये पहन के, इसका जो कलर वगैरह है बहुत ही प्यारा है। तो ये सांगरिया ब्रांड का ये कुर्ता सेट है, जिसके साथ दुपट्टा भी है और पैंट भी है, और इसका ये कुर्ता है अनारकली कुर्ता है, और जो कलर है इसका आप देख रहे होंगे कितना प्यारा सा कलर है ना, पीच कलर का है ये, बहुत ही प्यारा है। तो ये देखिएगा, इसमें मेरा साइज M है, ये थोड़ा लूज है बट मैंने इसको थोड़ा सा फिट कर लिया था और बहुत प्यारा लगा था, बहुत ज़्यादा टाइट जो रेडीमेड सूट है वो अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो इस तरीके से ये इसका नेक है, और यहाँ पे बटन क्लोजर है, और ये जरी वाला वर्क है इस पर, बहुत ही फाइन वर्क किया हुआ है, बहुत सुंदर इसकी जो
जरी है वो है, और जो इसका फैब्रिक है वो पॉलिस्टर है। पॉलिस्टर आप देख रहे होंगे, ये एक जो सिल्क टाइप का पॉलिस्टर है ना वो है, जिसमें शाइन है और बहुत ही प्यारा ये लगता है। 3/4 स्लीव्स है इसकी। एंड यहाँ पे ये देखिएगा, जो कुर्ते के फ्रंट में ना आपको नीचे तक ये वर्क मिलेगा सामने। सो इस तरीके से ये अनारकली है। तो इसका जो इस कुर्ते की जो सबसे खासियत है ना, वो इसमें इतना फ्लेयर है, इतना हेम है इसमें, बहुत सारा। अगर एक बहुत हैवी वाली जो स्कर्ट होती है ना, जितना हेम उस स्कर्ट में होता है उतना ही इस कुर्ते में है। सो बहुत प्यारा लगता है। जब मैं आपको पहन के दिखाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये बैक साइड में ये पूरा प्लेन है, तो सामने इस तरीके से है, और जो लेंथ है वो इसकी काफ लेंथ है। एंड यहाँ से आपको कट मिलेगा नीचे से, बिल्कुल बॉटम में कुर्ते के हल्का सा एक कट मिलेगा, और फ्रंट में ही मैंने पूरा बताया आपको जरी वर्क मिलेगा। इसके साथ में आपको सेम फैब्रिक की, पॉलिस्टर की ही सेम कलर की आपको ये पैंट मिल जाएगी, और पैंट का जो लेंथ वगैरह है वो काफ़ी अच्छी है। एंकल लेंथ है इस पैंट की, और यहाँ पे बॉटम में हल्का सा कट दिया हुआ है, काफ़ी अच्छी फिटिंग है पैंट की भी। और ये सामने से आपको वेस्ट पे इस तरीके से बैंड मिलेगा, और पीछे से इलास्टिक मिलेगा, जो काफ़ी अच्छी इसकी पैंट है। कुर्ते के साथ में आपको ये पैंट मिलती है, एंड साथ ही में आपको मिलता है दुपट्टा, जो कि नेट का है, बहुत ही सॉफ्ट नेट है ये, और लेंथ वगैरह काफ़ी अच्छी है दुपट्टे की। सो काफ़ी प्लेन सा, और यहाँ पे बस इसका हल्का सा ये देखिएगा बॉर्डर सा लगा हुआ है इस तरीके से दोनों साइड में, और काफ़ी लाइट वेट सा ये दुपट्टा है, क्योंकि सूट इतना हैवी पहनने के बाद दुपट्टा संभालने में लाइट वेट ही आएगा। तो ये इसके साथ दुपट्टा है, और ये वाला सूट भी बहुत प्यारा लगा बहुत। ये भी मैंने एक वेडिंग फंक्शन में डाला था ये वाला सूट रिसेप्शन पे, तो काफ़ी अच्छा लगा था, और पहनने के बाद ही कैसा लग रहा है वो मैं आपको दिखाने ही वाली हूँ। सो ये थे हमारे दो सूट, और जो थर्ड है वो ये है। जी हाँ, आप काफ़ी देर से नोटिस कर रहे होंगे ना कि ये वाला सूट भी बहुत प्यारा लग रहा है। इसका जो कलर है ना, अगर आप रेड एंड येलो से हटके कुछ खरीदना चाहते हैं ना, तो ये पीच वाला मेंट ग्रीन इस तरीके से कुछ पहनिए, बहुत प्यारा लगता है। इस कुर्ते में क्या है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये दुपट्टा है इसका, जो मेरी चूड़ियों में टकरा था बार बार में। सो ये देखिएगा, ये एक इस तरीके से जॉर्जेट वाला, जॉर्जेट नहीं, हाँ सेमी जॉर्जेट, कुछ पॉली जॉर्जेट टाइप का ये दुपट्टा है। दुपट्टे पे गोल्डन कलर का ये प्रिंट बना हुआ है, काफ़ी लाइट वेट सा बट बहुत शाइनिंग वाला प्यारा सा दुपट्टा है इस सूट के साथ में। तो काफ़ी हल्का सा दुपट्टा है बट काफ़ी प्यारा सा दुपट्टा है इसका। एंड इसके साथ में ही आपको ये कुर्ता, तो मैं आपको दिखाने वाली ही हूँ, इसके साथ भी आपको पैंट मिलती है जो कि सेम कलर की है, और इसका जो फैब्रिक है वो भी पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर शाइन वाला पॉलिस्टर आप देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा फैब्रिक है। हैंड वॉश कर सकते हैं आप इन दोनों को, और इसका जो ब्रांड है वो भी सांगरिया ब्रांड का है, क्योंकि ये वाला सूट जब मैंने पहना तो मुझे इतना अच्छा लगा ये, तो मैंने सांगरिया ब्रांड का सेम ये सूट मंगाया, और इसमें भी कलर मुझे इस सूट का बहुत ही प्यारा लगा, ये वाला कलर मुझे बहुत पसंद है। सो ये इसके साथ भी इस तरीके से पैंट मिली है, और ये वाला जो सूट है ये मैंने एस साइज ऑर्डर किया हुआ है, और ये एम साइज है। सो एस भी मुझे काफ़ी अच्छे से फिट आ रहा है। पैंट में सेम वही फ्रंट में आपको बैंड मिल जाएगा, और बैक में आपको इलास्टिक मिल जाएगा, और यहाँ पे सेम ये आपको कट मिलेगा, और एंकल लेंथ इसकी पैंट है, काफ़ी अच्छी पैंट की फिटिंग है, काफ़ी अच्छा फैब्रिक है। और ये जो हमारा कुर्ता है उसकी डिटेल हम आपको बता देते हैं। सिर्फ राउंड नेक है, यहाँ पे आपको हल्का सा एक छोटा सा बटन लगा हुआ मिलेगा, और यहाँ पे ये देखिएगा आप, इसमें आपको ये गोल्डन जो जरी वर्क है वो मिलेगा दोनों साइड में इस तरीके से, इस दुपट्टे में, इस कुर्ते में सॉरी। और 3/4 स्लीव्स है इसकी, यहाँ पे आपको ये बटन मिलेंगे, और ये देखिएगा तो हल्का सा जो गोल्डन थ्रेड है उसे यहाँ पे डिटेलिंग दी हुई है दोनों जो स्लीव्स पे, एंड यहाँ पे हल्का सा आपको वर्क मिलेगा बस इतना ही। और फिर ये एक ए लाइन कुर्ता है, इसकी जो लेंथ है वो भी काफ लेंथ है, इसमें बहुत ज़्यादा घेर नहीं है, इसमें नॉर्मल सा घेर है। तो ये कुर्ता भी पहन के बहुत ही प्यारा लगा, मैंने इसको डाला था अभी 2-3 दिन पहले ही, बहुत प्यारा लग रहा था मुझे ये, इसका जो कलर है स्पेशली सॉरी, इसका जो कलर है
बहुत प्यारा लगा, दोनों ही सूट का कलर मुझे बहुत प्यारा लगा, बीच में और थर्ड जो ये मरून वाला है वो तो है ही बड़ा प्यारा सा सूट। सो ये तो देखिए हमने करी थी कुर्ता प्लाजो सेट की शॉपिंग जो मैंने आपके साथ शेयर करी, और इनका जो प्राइस वगैरह है वो अभी सेल लगने वाली है तो कुछ चेंज भी हो सकता है। बाकी मैंने जिस प्राइस पे खरीदा है वो मैं आपको स्क्रीन पे डाल दूंगी, और इनके सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अभी भी वैसे भी मिंत्रा पे सेल लगने वाली है तो सेल का फ़ायदा उठाइएगा। और इन जो ये मैंने सूट आपके साथ शेयर करी इन सभी में आपको कलर और भी मिल जाएंगे। तो देखिए विंटर सीजन चल रहा है तो इसमें आप ड्रेसेस वगैरह तो डाल नहीं सकते, तो मैंने कुछ दो जींस की शॉपिंग करी है जिसमें से एक तो मैं पहन चुकी हूँ, एक अभी हमारी जो पैक है वो है। तो सबसे पहले जो मैंने जींस खरीदी है वो है ईथर ब्रांड की है ये, और इसको तो मैं अब जब से लिया ना हर दूसरे तीसरे दिन पहन ही रही हूँ, तो वॉश भी हो चुकी है पहन भी चुकी हूँ। तो ये इस तरीके से ब्लैक कलर की जींस है, माइल्ड सा डिस्ट्रेस है इस पर, यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोनों साइड में, एंड स्ट्रेचेबल इसका जो फैब्रिक है वो है, तो मुझे जींस ज़्यादा स्ट्रेचेबल ही पसंद आती है। जो मेरा वेस्ट साइज है वो 30 है, हाई वेस्ट जींस है ये, एंड एंकल फिट है, और लास्ट में इस तरीके से ये थ्रेड्स आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा सा लगता है, और इसकी जो फिटिंग वगैरह है वो बहुत ही अच्छी है, ये बिल्कुल स्किनी फिट नहीं है बट बहुत ही अच्छे से फिट होती है, और बहुत प्यारी ये जींस लगती है मुझे इसको स्वेटशर्ट टॉप वगैरह के साथ पहन के काफ़ी अच्छा सा लुक आता है। मुझे इस तरह की जींस चाहिए थी ब्लैक कलर की और मुझे मिल गई है, तो बहुत ही प्यारी जींस है, मुझे इसकी फिटिंग वगैरह बहुत ही अच्छी लगी है, हल्की सी ये मुझे वेस्ट पे लूज़ है, अदरवाइज़ इसकी फिटिंग वगैरह मुझे बहुत प्यारी लगी। तो ये मैं ईथर ब्रांड की मैंने ये जींस मंगवाई है, और विंटर्स में ना जींस ही नॉर्मली डेली यूज़ में जींस ही मैं डालती हूँ। एंड जो नेक्स्ट हमारी जो जींस है वो है ये ब्लू कलर की है, ये देखिएगा ये एक कॉटन की जींस है और ये स्ट्रेचेबल नहीं है, एंड ये है जो ये हाई स्टार ब्रांड की जींस है, हाई वेस्ट है ये भी, एंड यहाँ पे ये देखिएगा आपको बटन वगैरह मिलेंगे। इसको मैंने पहन के देखा, इसकी फिटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है, इसकी जो लेंथ है वो एंकल लेंथ होती है, यहाँ पे देखिए इसके दोनों साइड में स्ट्रिप लगी हुई है, कॉटन है ये, और इसको आप समर में भी डाल सकते हैं, तो गर्मियों में भी इस तरह की जींस जो है वो इजीली डाल सकते हैं। यहाँ पे भी आपको जो देखिएगा नीचे इस तरीके से थ्रेड वाला मिलता है, काफ़ी अच्छा लगता है ये। सो ये हमारी न्यू ईयर और क्रिसमस की भी हमने शॉपिंग कर ली है। सो आपको आज का मेरा शॉपिंग हॉल कैसा लगा, आपको इन सारी शॉपिंग्स में से तीनों कुर्ता सेट में से क्या ज़्यादा पसंद आया या जींस आपको ज़्यादा पसंद आई आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको मेरी आज की शॉपिंग कैसी लगी, पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे मैं सिर्फ आपके साथ शॉपिंग हॉल ही नहीं डेली व्लॉग्स भी शेयर करती हूँ, होम डेकोर भी शेयर करती हूँ, DIYs भी शेयर करती हूँ। सो आपको इस तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।